भाई साहब, अभी मैं बस में बैठा था और ये मैं जानता तक नहीं, इन्होंने मुझे ये ला के दिया। कजाकिस्तान बहुत बड़ा है तो आर्मी भी बहुत बड़ी चाहिए, लोग कम हैं। से हेलो, सो फाइनली हम लोग कजाकिस्तान वापस आ चुके एक महीने बाद। बहुत स्मूथ वीज़ा मिल गया आराम से, और अभी हम चलेंगे यहाँ से सिमकेंट के लिए। ये सामने उज्बेकिस्तान और ये है कजाकिस्तान। यहाँ पे 500 दुकान होगी मनी एक्सचेंज की, ऐसी छोटी छोटी दुकानें, और यहाँ पे बहुत सारी टैक्सी मिल जाती है। ये मर्तुस का ये छोटी छोटी बस दिख रही है ना, ये बसें आपको यहाँ से सिमकेंट ले जाती है, जो 1200 टेंगे लेती है, करीबन 200 रुपये के आसपास। और यहाँ पर चलती है ऐसी कार, मैं भी इसी में बैठ के अभी जा रहा हूँ। और इस तरफ सिमकेंट पीछे रह गया उज्बेकिस्तान, इधर से सब लोग आ रहे हैं। भाई साहब, अभी मैं बस में बैठा था और ये मैं जानता तक नहीं, इन्होंने मुझे ये ला के दिया फ्री में, पैसा भी नहीं ले रहा। ये तो कमाल हो गया, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ले नहीं रहे। बोले कि देंगे नो नहीं। ये तो कमाल हो गया यार, ये एक तरह से कह सकते हैं एक अचानक से हुई घटना है। मैं इस टैक्सी के अंदर पीछे बैठा था यहाँ पे, और अचानक से मुझे आके केले फ्रूट वगैरह ला के मुझे दिया। मैंने सोचा कि इसी को आगे देना होगा, बोले नहीं आपके लिए है। तो ये तो एक हैरान कर देने वाली है, अविश्वसनीय चीज़ है। मैं जानता ही नहीं था, मैंने देखा भी नहीं उन लेडीज़ को, वो जो इधर बैठे हुए हैं ना ये वाले, और इन्होंने यहाँ से। तो ये तो ज़बरदस्त बात हो गई यार। तो भाई, इस ट्रिप में जहाँ से हमारे सफ़र की शुरुआत हुई थी सिमकेंट सिटी, वहाँ पर फिर से आ गए हैं करीबन 35 दिनों के बाद। और ये है कुछ नज़ारा, कजाकिस्तान हमारे लिए काफ़ी लक्की हैं। रुकते हैं कहीं हॉस्टल में और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास इंटरनेट नहीं है, हमारा सिम कार्ड तो है लेकिन डाटा ख़त्म हो गया, एक महीने के बाद ख़त्म। आखिरकार हमें जो चश्मा चाहिए वो यहाँ से मिल गया, 500 रुपये के आसपास, लेकिन ज़रूरी था और चश्मा नहीं था तो लेना तो पड़ेगा ना। इसमें कुछ अलग कलर से दिख रहा है भाई, पोलारिस चश्मे है ना, तो थोड़ा अलग दिख रहा है। मतलब मेरे को मोबाइल में कुछ स्क्रीन में भी अलग सिस्टम दिख रहा है, पोलारिस चश्मे होते हैं ना, तो मोबाइल में कुछ स्क्रीन है वो कलर अलग दिखता है। तो भाई, आज का हमारा सिमकेंट में ये हॉस्टल है, और ये हॉस्टल को देखो यार, ये पूरा हाईटेक हॉस्टल है। अगर मैं इसका पासवर्ड भूल जाऊँ तो मेरा बैग भी मुझको नहीं मिलेगा। ये लॉक खुल गया, और बनाया भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अंदर एसी है, और ये हमारा बेड हो गया डॉर्मेट्री। अब मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ कि अगर मैं बाहर भी चला गया गलती से, और अगर मेरे पास की नहीं है तो बाहर से खुलेगा भी नहीं। ये देख लो, बस अब हो गया कल्याण। मेरे पास एक छोटा सा की है जो मैं दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ऐसा कोई हॉस्टल होता है क्या? और इसका नंबरिंग देखो, ऐसे नंबर मेरा सब गिर के रखे हैं। एसी फुल, अंदर सिर्फ हवा आने की जगह नहीं, ये भी कांच है। गुड मॉर्निंग भाई लोगों, बंसी विष्णु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 5:43 हुआ है, और अभी मैं फ्रेश तैयार, ना धो के तैयार होके यहाँ पे खड़ा हूँ, और 5:57 पर मेरी ट्रेन है। तो अभी मैं टैक्सी का इंतज़ार कर रहा हूँ, आई होप कि मुझे ये ट्रेन मिल जाए। मुझे लगता नहीं आज मिल पाएगी, लेकिन मैंने टैक्सी बुक किया है तो शायद मैं पहुँच जाऊँगा बहुत जल्दी। और आज की ट्रेन यात्रा हमारी सिमकेंट से अलमाटी के लिए हो रही है। ये सिटी सेंटर, इसमें सिटी हॉस्टल जहाँ पे मैं रुका था, काफ़ी बेहतरीन हॉस्टल है, मॉडर्न हॉस्टल है, तो ज़बरदस्त हॉस्टल था वहाँ पे। कजाकिस्तान में कुछ ऐसी बसें चलती हैं, देखो ट
ट्रेन हमारी आंखों के सामने जाती हुई दिखी, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिर्फ 30 सेकंड अगर जल्दी आता तो ट्रेन मिल जाती। तो अभी मेरे हॉस्टल में बैठा हुआ हूँ, एक्चुअली मैं चेकआउट कर गया इसलिए अभी मुझे रूम तो वापस नहीं मिल सकता, लेकिन मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, 12 बजे तक यहाँ पे बैठूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से वापस स्टेशन पर जाऊँगा। गुड मॉर्निंग भाई लोगों, बंसी बिश्नो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं कजाकिस्तान के सिमकेंट में हूँ और अभी आपको बढ़िया जगह पे ले जाता हूँ, और कुछ लोगों से पहले मैं मिला था स्टार्टिंग में, आपको शायद पता होगा, तो उन्हीं लोगों से आज वापस मिलने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले वीडियो में आपने देखा होगा, तो उन लोगों से वापस मिलने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं रुका हुआ था, इस हॉस्टल का नाम है सिटी हॉस्टल, काफ़ी बेहतरीन हॉस्टल है और मॉडर्न हॉस्टल है। इसके अंदर सारे ऑटोमेटिक सिस्टम है हॉस्टल के अंदर, आप देखोगे ना, आप जब आओ तब यहाँ रुकना, सिटी हॉस्टल के नाम से, तो काफ़ी ज़बरदस्त लगेगा, को इसको महसूस कर सकोगे। तो चलते हैं शहर को घूमते हैं, आपको दिखाते हैं शहर, ये ज़बरदस्त जगह है, पूरा रशिया की तरह यहाँ पे भी मॉडर्न है। और ये बच्ची को क्या हो गया भाई, ये बैग वैग फेंक करके रो रही हैं और समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, क्या हुआ नियत, ओके शायद उसकी बेटी है इसलिए वो ऐसे कर रही है। तो अभी हम चलते हैं आगे और शहर घूमते हैं, और इस शहर में कुछ ऐसी सिटी बस चलती हैं जिसका नंबर पता हो तो आप आसानी से इस शहर में घूम सकते हैं, मतलब आपके पास 2G एप्लीकेशन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए बस। अभी मैं बस स्टेशन पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे आसपास काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट हैं, 2-3 लोग जो शायद कॉलेज वगैरह जा रहे होंगे, सुबह का 10 बजा है। तो अभी एक यहाँ पीछे हैं, एक इधर पीछे की तरफ हैं, और बस अभी आने वाली है मेरी, तो बस में बैठ के जाते हैं। तो अभी मैं बस में सफ़र कर रहा हूँ, इस बस में बैठने का एक बार का 100 टेंगे लेते हैं, करीबन 20 रुपये के आसपास, और फिर आप पूरे जहाँ तक जाती है वहाँ तक सफ़र कर सकते हैं, फुल AC बस होती है। ये वो हॉस्टल जहाँ पे हम पहली बार आए, तो यहाँ पे रुके थे, बैरे के हॉस्टल, देख लो भाई। इस जगह पे पिछली बार आए तब यहाँ पे कुछ रखे हुए थे, जो कपड़े पहना के जो रखते हैं ना वो चीज़ें, अभी नहीं है। अब हम आए यहाँ पे, यहाँ पे ये है एक वेज तो नहीं बर्गर है, लेकिन मैंने इनको बोला कि भाई चिकन वगैरह मत डालना और सीधा आप वेज बर्गर बना दीजिए ताकि मैं खा सकूं। तो अभी मैं चलता हूं ऊपर, ओके आई कमिंग बैक, ऊपर कुछ लोगों से मिलना है तो मिल करके आते हैं और उसके बाद फिर ये ले जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर जाके दिखाते हैं, कुछ लोगों से पिछली बार मिले थे ऊपर की तरफ, जब पहली बार यहाँ पे आया था ना, पिछली बार पहले ही दिन सबसे पहले इन्हीं दुकान पे आया था, इसकी दुकान पे, और यहीं पे इन लोगों से मिला था, लेकिन अभी ये दुकान पे कोई है नहीं, तो वेट करते हैं कि वही लोग यहाँ पे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो अभी इंतज़ार करते हैं। हमारा बर्गर तैयार हो गया है, वेज ओपन ओपन नो नो ओपन हाँ ईटिंग ओके ओके ठीक है। बर्गर खाना तो भाई चेक तो करना पड़ेगा ना, मैंने पूरा चेक कर लिया और स्पेशली इन लोगों ने बना के दिया, 258 रुपये का हुआ, ओके थैंक यू। ₹258 में सिर्फ बर्गर आया है, टमाटो सॉस लेना तो उसका 50 या 40 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन वैसे इसका टेस्ट बढ़िया है। और यहाँ से लिया एक पेप्सी जो करीबन 100 रुपए की मिली। से हेलो, ये यहाँ पे मैडम जी, आप आओ वेज बर्गर यहाँ पे खा सकते हैं, हम चलते हैं यहाँ से आगे।
और यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है या पता नहीं, सब डिग्री ले लेके वो जो है ना, सब बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, कुछ युवा। अभी हम चलते हैं इस तरफ। सिमकेंट प्लाजा सबसे बड़ी और मशहूर जगह है यहाँ की, तो उसमें चलते हैं। ये वाली तो ये पूरा सेंटर में है और यहाँ पे सारे लोग आते हैं, तो हम भी यहीं चलते हैं। तो भाई इस जगह को बोलते हैं सिमकेंट प्लाजा, विशाल का एक मॉल है। और इस जगह पे आप देख लीजिए, ये देख लीजिए भाई प्लाजा, इसके अंदर चलते हैं। और यहाँ पे पानी भी डांस करता है म्यूजिक के साथ में। मॉल के अंदर आ चुके हैं, देखो भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। चलते हैं आगे, सारे महंगे महंगे स्टोर है यहाँ पे। इस तरफ देखने को मिलेगा फंकी टाउन। फंकी टाउन मतलब वही बच्चों के लिए गेम, अलग अलग प्रकार के। मॉल का भ्रमण पूरा हुआ, कुछ ज़्यादा मुझे भीड़ नहीं दिखी। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे और वापस अपने हॉस्टल पे, और वहाँ से हम लेते हैं ट्रेन और चलते हैं अलमाटी। अभी यहाँ पे सारे इंडियन स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो गया, तो सब फ्री है यहाँ पे। इंडियन स्टूडेंट आपको दिखेंगे, यहाँ पे दिखेंगे, तो काफ़ी जगह पे आपको इंडियन स्टूडेंट दिख जाते हैं, क्योंकि अभी उनका एग्ज़ाम हो गया, सब इंडिया जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक दो दिन मॉल में घूम के मज़े ले रहे हैं। तो इस शहर में दुनिया भर के भारतीय छात्र है, वो MBBS करते हैं, तो आपको कहीं भी मिल जाते हैं, अलमाटी में मिल जाते हैं। जितनी भी काफ़ी बड़ी बड़ी सिटी है ना, सब सिटी में यूनिवर्सिटी है, और वहाँ सब जगह आपको ये बच्चे मिल जाते हैं। ये देखो, ब्लॉग अभी स्ट्रीट पे जा रहा था, ये कजाकिस्तान के स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के, और अभी शायद इनका भी लास्ट दिन है, ये घर जा रहा है। आर्मी कजाकिस्तान बहुत बड़ा है, तो आर्मी भी बहुत बड़ी चाहिए, लोग कम हैं, तो झंडा लेके जा रहे थे। मैंने बोला भाई चलो तुम्हारा वीडियो बनाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ओके, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। कजाकिस्तान वैसे मुख्य रूप से मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहाँ पे ईसाई रहते हैं जो यूक्रेन से आए हुए हैं, और जो मुस्लिम है वो अरब कंट्री से पहले के ज़माने में यहाँ पे आए हुए हैं, तो वो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो अभी हम चलते हैं हॉस्टल पे इस तरफ। स्ट्रीट रात को चमकती है, दिन के टाइम तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन रात को यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग वाइटिंग रहती है। सिमकेंट, सुबह एक बार ऑलरेडी हमारी ट्रेन मिस हो चुकी है। यस यस, अभी दूसरी बार थोड़ा जल्दी आए हैं, दोबारा टिकट किया है। पहले 650 की थी, 650 की, दूसरी टिकट 1250 को मिली, 1500 का नुकसान हुआ। अब चलते हैं अंदर। तो भाई उज़्बेकिस्तान में भी हमारी तरह लोग ऐसे ही बैठते हैं, रेलवे स्टेशन पे पहले ही आ जाते हैं, थोड़े बहुत कुछ लोग एंड टाइम पे आते हैं, क्योंकि ट्रेन एकदम टाइम से टाइम चलती है। मालगाड़ियाँ बहुत चलती हैं यहाँ पे, मालगाड़ियाँ, क्योंकि कजाकिस्तान में पूरा खनिज पदार्थ वगैरह सब बहुत निकलता है ना, इसलिए। तो ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन है, ऑयल गैस के टैंकर भी चलते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ के। और ये देखो लारी ठेला चला रहे हैं अंकल जी, ठीक है। तो अभी हमारी 2 बजे की ट्रेन है, तब तक हम यहाँ बैठे हुए हैं। अभी 1:00 हुए हैं सुबह, एक हमारी ट्रेन ऑलरेडी मिस हो चुकी है, सिर्फ 1 मिनट में। यहाँ स्टेशन पे इधर ही खड़ा था, इधर से ट्रेन निकल रही थी, तो क्योंकि मिनट एक भी लेट हो जाओ
तो गड़बड़ है। और मैं जल्दी उठ गया, फिर भी मेरी गफलतबाजी में मैं मतलब लेट हो गया। स्नान कर रहा था, धीरे धीरे तैयार हो रहा था ना, इसलिए ठीक है। तो इन ट्रकों में देखो, इन ट्रेनों में देखो, कारें ले जा रहे हैं देखो। और कजाकिस्तान के लोगों की बात करें ना, तो यहाँ पे महिलाएं लड़कियां बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और इनकी इनकम भी काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है एवरेज 1 लाख से भी ज़्यादा, क्योंकि ये लोग खर्चा भी काफ़ी करते हैं, महंगे शौक रखते हैं, आईफोन वगैरह हर किसी के पास देखने को मिलता है। इतना बड़ा देश है ना, तो मुझे लगता है कि इनके पास इनकम के सोर्स काफ़ी ऐसे कुछ दिखता नहीं है। बिजनेस भी बढ़िया है, चीज़ें महंगी मिलती है, तो इसका मतलब इनकम काफ़ी अच्छी खासी हो रही होगी। तो हर लड़की या लड़के के पास आईफोन तो दिखेगा ही दिखेगा। और लड़के लड़कियां बहुत खूबसूरत है भाई, कसम से रशिया से भी शायद ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे हैं। इतने खूबसूरत उज्बेकिस्तान में नहीं है, लेकिन यहाँ तो खूबसूरत है भाई। ये देखो एक मालगाड़ी आ रही है इलेक्ट्रिक इंजन के साथ में। पीछे के वाले लास्ट में कोच में लास्ट कोई होता ही नहीं है, सिर्फ बस सीधा मालगाड़ी का डब्बा और बस फाइनल, कोई पीछे नहीं होता है। झंडा वंडा दिखाने वाला भी सिस्टम यहाँ पे नहीं है, चलता ही रहता है बस। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है अलमाटी के लिए, और 15 और 14 नंबर हमारा कोच रहता है। तो भाई हर बार की तरह यहाँ पे भी हमें तकिए का कवर और बिछाने का, ओढ़ने का रुमाल, सारी सब फैसिलिटी मिल गई है। और ये ट्रेन उज़्बेकिस्तान से ज़्यादा बेहतर और नई ट्रेन है, एसी है और बेहतरीन ट्रेन है। तो अभी हम यहाँ पे वही ट्रेन और वही चाय, वापिस से चाय 1 मिनट में बन के तैयार हो जाती भाई। दस मिनट के लिए ताराज में हमारी ट्रेन रुकी, ताराज सिटी का नाम है। यहाँ से कुछ लेते खाने पीने का और फिर आगे चलते हैं भाई। जर्नी काफ़ी औसम है और हम किर्गिस्तान की बॉर्डर के अंदर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ऐसे ट्रेन चलती है यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है खाने को। अभी कजाकिस्तान के कुछ लड़के मिलिट्री में भर्ती होकर आ रहे हैं, तो वहाँ से मैं देख रहा हूँ हर स्टेशन पे लोग सामने आ रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं। कजाकिस्तान के लोग चाय पीते हैं दूध वाले, और मैंने लिया ये मक्का 400 मतलब करीबन 90 रुपये के आसपास। ऑप्शन नहीं है तो क्या करें भाई, लेना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। और ये सिटी है बिल्कुल कजाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर जस्ट, और बीच में ट्रेन एक बार उधर भी गई थी, आगे भी ऐसा ही होगा, बॉर्डर के साथ चलती है, उनके अंदर भी जाती है वापस आती है, लेकिन कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ट्रेन रुकती नहीं है। हाँ भाई, नाम भी यहाँ लिखा हुआ है, मैं तो भूल गया दिखाना, देखो पता नहीं था कि ये सिटी का नाम लिखा हुआ है, ताराज TARZ ताराज। मालिक का आदेश आ गया, चलो अंदर ट्रेन में बैठते हैं। करीबन 11:30 हुई है और हम एक स्टेशन पर पहुंचे हैं। यहाँ पे कुछ देर के लिए ट्रेन खड़ी है।